बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मार जावेद और आप देख रहे हैं जैद इलेक्ट्रिक वर्क्स। प्यारे दोस्तों, आज हमने 2 HP की 36 स्लॉट सिंगल फेस मोटर को रिवाइंड किया है। इसके लिए रनिंग में हमने दोस्तों डाली है तार नंबर 19 और पिच की तरतीब दोस्तों 1 4 1 6 1 8 1 10 1 10 वाला सेट दोस्तों कॉमन है, और टर्ने दिए हैं 19 की 8 10 15 और 20, और सेट का वजन है दोस्तों 400 ग्राम। दोस्तों स्टार्टिंग के लिए हमने तार नंबर 21 इस्तेमाल किया है, पिच की तरतीब 1 7 1 9 और टर्न दिए हैं दोस्तों हमने सिंगल 19 के 25 और 50, और सेट का वज़न है 125 ग्राम। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। आइए अब आपको कनेक्शन समझाते हैं। सबसे पहले कनेक्शन करेंगे दोस्तों हम रनिंग के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरफ हमारी कनेक्शन प्लेट है वहीं के रनिंग के जो दो हमारे सेट हैं उनकी इनर लीडों को हमने छोड़ देना है, इनर यानी छोटे कोयल की लीडों को, और जो हमारी बड़े कोयल की लीडें हैं आउटर को उनको आपस में जोड़ देना है, इस तरह मिला देना है। बहुत इजी और आसान तरीके के कनेक्शन है दोस्तों। इनर लीडों को आपने छोड़ देना है और आउटर को आपस में मिला देना है। अब हमारे जो अगले दो सेट हैं दोस्तों, ठीक है, एक ये और एक ये वाला, ठीक है, इनकी बड़ी लीडों को आपस में जोड़ देना है। पहले हम बड़ी लीडों को जोड़ देंगे आउटर को, ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अगले जो हमारे दो सेट हैं उनके इनर को आपस में जोड़ देंगे। अब इस सेट की इस छोटी लीड और उस सेट की छोटी लीड के साथ अपने आपस में जोड़ देना है। इस तरह दोस्तों हमारे रनिंग के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमारे टोटल दो तारें बचती हैं, जिस तरफ हमारी कनेक्शन प्लेट है वो बैर निकालेंगे और मेन बनाएंगे। अब हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों स्टार्टिंग की बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह रनिंग के कनेक्शन किए थे, उसी तरह बिल्कुल उसी तरतीब से। जिस तरफ हमारी कनेक्शन प्लेट है उसी तरफ दो सेट की इनर लीडों को हमने छोड़ देना है और आउटर को आपस में मिला देना है, बड़े कोयल की लीडों को आपस में मिला देना है। अब हमारे दोस्तों ये जो दो सेट हैं इनकी भी बड़ी लीडों को आपस में मिला देंगे, बड़े कोयल की लीडों को। अब इस सेट की छोटी लीड और इस सेट की छोटी लीड इनर को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह हमारे दोस्तों स्टार्टिंग के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की आपस में मिलाकर एक मेन बनाएंगे। स्टार्टिंग की एक तार क्लच प्लेट में ले जाएंगे।